आपके सामने सुजुकी एसएक्स वी स्ट्रोम। मैंने वहाँ पे जो काम कराया था वो बहुत ही मतलब मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। एडजस्टिंग वाला वाइजर है, 1 2 3 ट्रिपल एंस वाली 3 फीचर है। ये देखिए, मतलब नाइट में निकलने के बाद ना भाई साहब, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी विजिबिलिटी होने वाली। और बाइक का काम है वो तो बहुत ही टॉप नॉच करा आपने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। में मैं हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने सुजुकी एसएक्स वी स्ट्रोम और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो दिखाएंगे बाद में। पहले आप गाड़ी का नंबर देखो, EQ UK 06। ये आए हैं उत्तराखंड से, हल्द्वानी से। तो भैया से पहले थोड़ा सा मिलवाया तो फिर एंड में मिल पाएंगे। आज कभी कभी नया करना चाहिए ना। तो भैया ये बताओ, कैसा लग रहा है आपको काम करा के? और आकर काम करा के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि गाड़ी लेते ही आओ। मैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आया हूँ गाड़ी को, 24,000 किलोमीटर चलाने के बाद आया हूँ। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आएँ और काफ़ी मतलब इनिशियल टाइम पे ही आएँ बाइक लेते ही। दूर से स्पेशली आने का लॉजिक क्या था वो बताएं? पहले मैंने वहाँ पे जो काम कराया था वो बहुत ही मतलब मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा और जिसकी वजह से मेरी बाइक में भी प्रॉब्लम आ। तो मेन ये था कि आप इतनी दूर से आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाकी अभी दोबारा इंट्रो कराते हैं आपका, पहले मैं गाड़ी का बताता हूँ क्या क्या है। मैंने भैया से, जो कि भैया आए थे दूर से, उन्होंने प्रॉब्लम परेशानी जो थी वो कहीं से काम कराया था तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो ही बताएंगे बाद में। क्योंकि स्टार्टिंग में इतने प्रॉब्लम बंदा हर के बंदा नहीं दे। पहले दिखाता हूँ मॉडिफिकेशन के इसमें क्या क्या किया गया। पहले आपका स्टार्ट करता हूँ ऊपर से इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने लगाया ना, ये देख रहो, ये अपना एडजस्टिंग वाला वाइज़र है जो कि इसके अंदर लगा दिया। आप चाहो तो जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हो इधर से एंड इधर से। इसके अंदर एडजस्टिंग होती है, इसको मिडल में करने के बाद आप चाहो तो इसे नीचे करके इधर एडजस्ट कर लो या ऊपर करके इसको ऐसे एडजस्ट करो। जैसे मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको सेट करना हो। देख रहे हो, ये देखो ये लॉक लग गए इसके और ये हो गया एडजस्ट। ये क्या है, विंडशील्ड एक्सटेंड करनी है, थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड करनी है तो ज़्यादा एक्सटेंड कर लो, कम करनी है तो कम भी कर सकते हो। सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। पहले इसमें सिंगल फिटिंग लगा रहे थे बट भैया कह, मैंने वो लगाया था पहले कहीं से, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो भैया ने कहा मुझे डबल फिटिंग वाला चाहिए तो हमने ये लगा दिया डबल फिटिंग वाला इसके अंदर वाइजर एक्सटेंडर। और साथ में इसमें देखने मिलेगी आपको इसके अंदर ओरिजिनल वी स्ट्रोम की ही इसके अंदर GPS माउंट, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। और GPS माउंट लगाने के साथ साथ ना इसके अंदर मोबाइल होल्डर भी लगा दिया है जो कि मिलता है आपको वाटरप्रूफ बोबो वाला मोबाइल होल्डर। इसको लगाने से सबसे बड़ा एडवांटेज बता दूँ कि एक तो बारिश वगैरह में ना फ़ोन आपका गीला नहीं होता, फ़ोन ख़राब नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि हर किसी एप्पल हो जो वाटरप्रूफ होता है, नॉर्मल फ़ोन भी इसके अंदर लगाएंगे तो वो भी आपका पूरा सेफ रहेगा पूरी तरीके से। तो ये इसके अंदर मिल जाए। साथ में इसमें चार्जिंग ऑलरेडी होती है यहाँ पर, आपको पता ही है। तो यहाँ से सीधा निकालिए और इधर केबल लगाइए, ऊपर केबल लगाइए, चार्ज भी होता रहेगा हैंड टू हैंड। तो इसीलिए इसके अंदर ऊपर फिट किया गया आपके मोबाइल होल्डर। और नीचे की तरफ दिखाएंगे तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि इसके अंदर पहले से लगवा रखा है। थोड़ा सा क्वालिटी लोग कोई बात नहीं, चल जाएगा। बट हमने इसके अंदर एक चीज़ लगाई, देखिए हमने इसमें लगाए स्लाइडर्स, एक्स्ट्रा स्लाइडर, एडिशनल स्लाइडर्स हैं जो कि ये लगे हुए आते नहीं हैं इसके अंदर। हमारे पास जो होता है उसके अंदर दूसरा वाला जो होता है, इसमें चार स्लाइडर होते हैं एक इधर वो अलग होता है, बट ये अलग से आते हैं इसके अंदर। आप किसी भी क्रैश गार्ड के अंदर इसके लगवा सकते हो ये वाले स्लाइडर। इस तरफ भी सेम देखने में लगा वो इस तरफ। साथ में इसमें इंडिकेटर बल्ब भी लगाते हैं जो सिमटेक के ओरिजिनल मिल जाते हैं। इसके मिलते हैं आपको पूरे 3 साल गारंटी, 3 साल में कभी भी खराब होता तो ये हैंड टू हैंड होते हैं आपके बल्ब चेंज। और जो हैजार्ड लगाया गया इसके, जितनी बार बटन ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार ऑटोमेटिकली पैटर्न जिसके चेंज होते हैं, इसकी मिलते पूरी 1 साल की गारंटी। जब भी ये खराब होता है तो कार्ड लाइए, हैंड टू हैंड चेंज करा लीजिए। जैसे कि दूर से होते हैं उनको कुछ नहीं करना, कार्ड और हैजार्ड या बल्ब जो भी चीज़ खराब हो साथ में भेज दीजिए, हम यहाँ से कोरियर के थ्रू दोबारा से रिटर्न कर देंगे। तो ये पॉलिसी मैंने आपको इसलिए बता दी कि बहुत से लोग सोचते हैं भैया हम जब आए दूर से तो हम दूर से कैसे भेजेंगे, तो ये तरीका मैंने समझा दिया। और साथ में इसमें लगा दिए फॉग लैंप जो कि मिलती है आपको ट्रिपल लेंस वाली, 1 2 3 ट्रिपल लेंस वाली 3 फ्यूचर है इसको कहते हैं जी ओरिजिनल। इस तरफ से देखो, इस तरफ देख लो, दोनों तरफ लुक काफ़ी एनहेंस होते हैं लगने के बाद। और साथ में इसकी रोशनी चेकआउट कर लो कैसी आती है, देखिए ये देखिए, मतलब नाइट में निकलने के बाद ना भाई साहब इधर रात अपनी हो जाएगी इसकी। येलो आपने देख ही लिया, वाइट आप देख लो, येलो वाइट आप देख लो, साथ में ब्लिंकर्स, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी विजिबिलिटी होने वाली है। और इसमें 4 से 5 पैटर्न आपको मिल जाता है फॉग लैंप के, ब्लिंकर के। और साथ में ना जरूरी नहीं कि ब्लिंकर आपको एक ही कलर पर होना, किसी भी कलर पर आप ब्लिंक कर सकते हो, चाहे येलो हो चाहे वाइट हो, चाहे वो आपका येलो और वाइट। क्योंकि ये आपका हार्नेस वाली, हार्नेस का बेनिफिट बता दूँ क्या होता है, एक तो बैटरी होती है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जितनी भी थोड़ी हैवी बाइक्स होती है ना उनके अंदर हार्नेस का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी वायरिंग पे कोई भी इफेक्ट ना आए, बैटरी पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो ये आप लोगों का फ़ायदा और हमारा सजेशन दोनों काम करता है यहाँ पर। और फॉग लैंप फिटमेंट की बात करें, देख सकते हैं
ये इसमें क्लैंप होता है जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी क्लैंप है, ये इसके अंदर इंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं जिससे कि आपकी फॉग लैंप भी कहीं भी नहीं जाती है, ना ही लेग गार्ड या क्रैश गार्ड के अंदर होल वगैरह करते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं फिर इसकी, इधर इधर ये इसमें लगाने के साथ में ब्रेक पेंडल एक्सटेंडर, इससे आपका ब्रेक का जो पेंडल है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर बाइकों के अंदर क्या कर रहा है कंपनी ने छोटा सा ब्रेक पेंडल दिया हुआ है, इसमें पैर स्किट होने का खतरा होता है बारिशों में खासकर। और अब देख लो, अब कुछ भी हो जाए पैर पूरा का पूरा इसमें काम करेगा, चाहे आपका कहीं पर कीचड़ मारो, बारिश मारो, आंधी तूफान कुछ भी आए, पर ये नहीं हो सकता उस तरीके। पीछे देखने मिलेगा आपको सैडल स्टे, ये भी इसके अंदर लगा देगा, प्रॉपर फिटिंग वाले आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको प्रॉपर फिटिंग, इसलिए हमारा जो काम है ना, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर काम प्रॉपर करें, जुगाड़ पे काम नहीं करते, जुगाड़ जो कराना चाहता है तो जुगाड़ भी करते हैं, बट क्या होता है प्रॉपर में ज़्यादा बेनिफिट आपको और मेरा दोनों को होता है। ये देखिए प्रॉपर फिटिंग वाला मिलेगा सैडल स्टे, और ये प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि आपको पता है क्रैश गार्ड और टॉप रैक हो गया, सैडल स्टे हो गया, ये सारे मेरे खुद के बनते हैं, तो प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है आपको दोनों तरफ, देख सकते हो आप काफ़ी प्रीमियम। इसमें आप चाहो तो सैडल बैग लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो पैनियर्स वगैरह भी इजीली फिट करवा सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद साथ में देखने मिलेगा इसके अंदर ये फुटर जो कि रियर फुटर, ये भी भैया ने लगवाया है, दोनों तरफ मिलेंगे आपको, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसे लगाने से क्या होता है, जब भी प्लेन राइडर बैठता ना, तो बैठने के बाद आरामदायक फील करेगा वो, उस पर बैठने के बाद दोनों तरफ पैर पूरे तरीके से आ जाएंगे इसमें, तो इसलिए इसके अंदर लगा देंगे। साथ में इसमें लगा दें गियर शॉक्स, इसे लगाने से आपका जो शूज़ है ना ये ख़राब नहीं होने वाला, ब्रेक काफ़ी इजीली आपके गियर लगने वाले हैं इससे। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर टॉप बॉक्स जो कि लगा देगा मोटो जीनियस का ओरिजिनल, ये लगाने के बाद आप चाहो तो इसके अंदर हेलमेट भी रख सकते हो, या सामान वगैरह कुछ भी कैरी करना हो वो भी इसके अंदर आप इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि आप देखिए स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है आपको। ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, 45 लीटर का आपको देखने मिल जाएगा। इसमें आप कीमती डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी रख सकते हो, चाहो तो डिटैचेबल होता है, आप चाहो तो इसे खोल कर रख सकते हो, निकाल कर कहीं पर भी इजीली निकल के रख जाएगा। और अगर जो आप लगा रहे हो तो लगा रहने दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि आपको जब राइड करनी है तभी यूज़ करना है, तो ही आपको करना है निकाल के रखने वाला सिस्टम, वरना ही लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ईजी है काफ़ी इसका, अगर निकालने का सिस्टम, चाबी खोलो और निकाल के रख दो कहीं पर भी। और इसमें कलर आपको देगा, आप कलर भी कोई भी ले सकते हो इसके अंदर। और लीटर की बात करिए तो इसके अंदर 45 लीटर, 35 लीटर, 50 लीटर एंड आपका 65 लीटर, कोई कितने भी लीटर का आप लेना चाहो तो वो आप हमारे पास इजीली मिल जाता है। इसमें हॉर्न भी लगाए हैं, देखिए इसके अंदर हॉर्न भी लगा दें, क्योंकि ओरिजिनल मिंडा के इसके अंदर हॉर्न लगाए गए हैं, जिसे लगाने से आप रोड पर जब निकलेंगे ना भैया, तो इनको साइड वगैरह आसानी से मिल जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि पहले जो था वो सिंगल हॉर्न बज रहा था, हालांकि पहले डबल लगवा रखे थे, बट हॉर्न का सिंगल ही बज रहा था। जैसे कि मतलब क्वालिटी थोड़ी सी लो होने के कारण ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कस्टमर को खुद ही, तो मोटरसाइकिल कंप्लेंट करने के बाद मिलाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा, आइए सर और ये बताइए कैसा लगा, अब आपको बताइए फाइनली। लगा तो मुझे काफ़ी अच्छा, आपकी हॉस्पिटैलिटी वो सबसे अच्छी है, आपने यहाँ पे आके जैसे हमारी मतलब एक तरीके से सेवा करी, एक कस्टमर और उनका रीसेलर का या सेलर का जो बॉन्ड है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और रही बात यहाँ पे जो बाइक का काम है वो तो बहुत ही टॉप नॉच करा आपने, बल्कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं प्रीमियम सारी क्वालिटी के हैं, और मुझे तो पता भी नहीं था कि एक बाइक में सिर्फ लाइट के अलावा हार्नेस भी लगता है, वो तो आपने मुझे बताया तब जाके मुझे पता लगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि आप एजुकेट भी करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन अब मुझे काफ़ी कुछ पता है, और जब मैंने यहाँ पे अपने सामने लगते हुए देखा तो मुझे पता है कि कैसे ये चीज़ें जा रही हैं, तो आगे इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है मुझे असिस्टेंट चाहिए तो मुझे ऐसा है कि मैं खुद भी वो चीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, अब जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा दोबारा से वही पहले वाला क्वेश्चन, क्या आप इतनी दूर से हमारे पास स्पेशली किस लिए आए हैं सर, क्या देखा आपने हमने सर? बाइक तो सबकी जिगर का टुकड़ा ही होती है, और एक बार इसको जब मैंने कहीं और से काम कराया और उसकी वजह से जो इशू आया बाइक में, तो वो दिल पे लगी, तो दिल पे लगी तो डॉक्टर के पास जाना होता है, और सर आप बाइकों के डॉक्टर हैं, मैंने सर्च करा गूगल पे, तो फिर मरीज को यहाँ पे ले आए। चलो, और अबाउट सेटिस्फाइड है आप? बहुत। और हमारा कोई भाई बंधु जो ऑल इंडिया से, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी? मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़े पैसे लगा के आप यहाँ पे आ जाइए, वो बेटर है बजाय अगर आप किसी प्रोफेशनल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाइए अपने यहाँ पे, जैसे मैं आया हूँ, क्योंकि वो एक एफिशिएंट काम करके देंगे आपको और इफ़ेक्टिव काम करके देंगे, और ये चीज़ मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा। और कितने किलोमीटर वैसे आपका दिल्ली जब आप आए हो तो आपने नोटिस किया? अराउंड 300 किलोमीटर सुबह हम चले थे 6-7 बजे,
और फिर यहाँ पे हम 1 बजे तक पहुँचे इंक्लूडिंग दिल्ली ट्रैफिक। पहले तो स्वागत उसी ने किया दिल्ली ट्रैफिक ज़्यादा तो फिर वहाँ से फिर हम लोग तब से यहाँ पे हैं। लेकिन हमें ऐसा कोई भी अगोस्टिंग फील नहीं हुआ, भैया ने वो हॉस्पिटैलिटी जो करी तो उसके लिए तो आई थैंक यू द मोस्ट। तो बड़े भी हम तो आप सभी के लिए बैठे मेरे भाई, आप लोग जो हमारे पास इतनी दूर से आ सकते हो तो यार ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चाय पानी नाश्ता खाना ये तो छोटी सी छोटी बात है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि आप भी कोई आना चाहते हो तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, रास्ते में कहीं मत रुको, आपको जो भी चाहिए यहीं पर मिलेगा, एक ही वन स्टॉप शॉप के अंदर सारा कुछ मिलेगा आपको, काम से लेकर खाना पीना सब कुछ, जैसे भी ने बताया, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं फेस करोगे हमारे होते हुए, सही करूँ ब्रदर? बिल्कुल सही। चलो जी, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, विजिट करने के लिए। तो ये थे भैया जो कि आए थे हल्द्वानी से यहाँ पर अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कराने के लिए, और इनकी तो बाइक ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। आपको भी कराना अपनी किसी भी बाइक, किसी भी स्कूटी का, तो आप आ सकते हो आपकी अपनी शॉप राजभाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको दिल्ली के करोल बाग नावल के अंदर। जब भी आप आते हो शॉप की लोकेशन वगैरह वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बाकी अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और आ सकते हो आपके और राजभाई की शॉप पर। और जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर वो मेरा पर्सनल है, 7827217114। आप चाहो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो जो भी क्वारीज वगैरह हो, अगर कुछ सामान आपको कुरियर कराना हो तो वो भी कुरियर करा दिया जाता है विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय श्री, गुड बाय।